नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव गौड़ फिर से जेबी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। तो क्लास सेशन 7 है आज, और पहले रिवीजन करेंगे और उसके बाद आगे के वर्ड्स को देखेंगे। तो कल सबसे पहले हमने वर्ड पढ़ा था एंटीपैथी। एंटीपैथी का मतलब मैंने बताया था स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, याद है आपको। उसके बाद फिर हमने वर्ड पढ़ा था अपेरेंट। क्या पढ़ा था? अपेरेंट। अपेरेंट का क्या मतलब था? जो बिल्कुल क्लियर है, एविडेंट है, उसे क्या बोलेंगे? अपेरेंट। उसके बाद पढ़ा था अपोजाइट। अपोजाइट का मतलब क्या था? एकदम उपयुक्त, अप्रोप्रिएट, याद है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड पढ़ा था अपनों ने, कौन सा? आर्केन। कौन सा पढ़ा था? आर्केन। आर्केन का मतलब क्या था? जो गुप्त है, हिडन है, क्लैंडेस्टाइन है, याद है आपको। आज उस वर्ड को दोबारा से भी मैंने उठाया है। उसके बाद आर्डवस। आर्डवस का क्या मतलब पढ़ा था? डिफिकल्ट। क्या पढ़ा था? डिफिकल्ट, हार्ड, टफ। उसके बाद आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट का क्या मतलब था? जो बहुत ज़्यादा फ्लुएंट है, उसे क्या बोलते हैं? आर्टिकुलेट। उसके बाद पढ़ा था एट्रोसिटी। क्या मतलब था एट्रोसिटी का? अत्याचार। क्या मतलब था? अत्याचार। उसके बाद ऑडेशियस। क्या पढ़ा था? ऑडेशियस। ऑडेशियस का मतलब था साहसी, बोल्ड, डेयरिंग। उसके बाद ऑगस्ट। ऑगस्ट का मतलब शानदार, तो स्प्लेंडिड भी बन सकता है ना इसका, ठीक है। उसके बाद बैफल मतलब उलझा हुआ, जो आपको उलझा दे। कुछ बच्चों ने शायद कमेंट में मेज लिखा था, बिल्कुल सही लिखा था। और भी बहुत सारे वर्ड इसके बन सकते हैं, ठीक है। चलिए आज के कुछ नए वर्ड्स को देखते हैं कि आज के कौन से वर्ड्स हमें तैयार करने हैं। तो आज देखिएगा कि मैंने रेड स्टार लगाकर बताएं, ये वर्ड्स ज़्यादा एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, तो आप इनको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, इनको याद भी रखिएगा ध्यान से। जैसे पहला वर्ड आया अपने पास बैरन। क्या आया? बैरन। बैरन का क्या मतलब होता है भाई? बैरन का एक ही मतलब है कि जो चीज़ बंजर है उसे क्या बोलते हैं? बैरन, ठीक है। अब जो चीज़ बंजर है इसका मतलब वहां पर प्रोडक्शन नहीं हो सकता, इसलिए इसका एक सिनोनिम क्या बना? अनप्रोडक्टिव। क्या बना? अनप्रोडक्टिव। और एक सिनोनिम बना इसका, कौन सा? इनफर्टाइल। कौन सा बना? इनफर्टाइल। देखो अब यहां पर एक और चीज आप समझ सकते हो, इनफर्टाइल का मतलब क्या है कि जो बंजर है, तो फर्टाइल का मतलब क्या होगा? जहां पर चीजें उग सकती हैं, यानी उपजाऊ जो चीज होगी वो क्या होगी? फर्टाइल, ठीक है। एरिड बहुत ज्यादा एग्जामिनेशन में पूछा जाने वाला वर्ड। एरिड का मतलब भी क्या होता है? शुष्क या बंजर, जहां पर कोई चीज नहीं उग सकती उसे बोलते हैं एरिड। तो टोटल चार वर्ड कौन कौन से हुए? बैरन, अनप्रोडक्टिव, इनफर्टाइल और एरिड। क्लियर होगी सारी बातें। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड पर देखेंगे। नेक्स्ट वर्ड देखा हुआ है बेलीग्रेंट। क्या लिखा हुआ है? बेलीग्रेंट। देखो बेलीग्रेंट वर्ड का मतलब, वैसे तो जो अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या थोड़ा बहुत आपने देखा होगा, तो बेलीग्रेंट का मतलब होता है कि ऐसे नेशन जो झगड़ा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जैसे पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है, बेलीग्रेंट कंट्री है, झगड़ा करने के लिए तैयार रहता है। चीन कैसा कंट्री है? बेलीग्रेंट कंट्री है। उत्तरी कोरिया, नॉर्थ कोरिया कैसा है? एक बेलीग्रेंट कंट्री है। तो बेलीग्रेंट वही आदमी होता है जिसकी नेचर लड़ाई करने के लिए तैयार रहती है। तो बेलीग्रेंट का एक सिनोनिम हॉस्टाइल, हमने पहले भी हॉस्टिलिटी वर्ड पढ़ा है, आपको याद होगा। दूसरा मैंने नया वर्ड आपके लिए रिप्रेजेंट किया है, कौन सा? पगनेशियस। कौन सा किया? पगनेशियस। इसके स्पेलिंग याद कर लो, PUGNACIOUS, पगनेशियस। मैं इसको ऐसे भी याद कर लेता हूँ, छोटा सा कुत्ता आता ना, वोडाफोन वाला कुत्ता, आपको याद होगा, एक ऐड आती थी। तो मैं कहता हूँ जो पग, उसको क्या नाम क्या है? पग। तो मैं बोलता हूँ पग का नेचर कैसा होता है? बेलीग्रेंट होता है, झगड़ा करने वाला होता है। समझ में आ गई बात? तो याद करने का तरीका है, कैसे भी कर सकते हैं। उसके बाद एक और वर्ड बना, कौन सा? बेलिकोज। कौन सा बना? बेलिकोज। प्यारे बच्चों, अगर सही मायने में देखूं तो ये जो बेलीग्रेंट वर्ड बना है ना, वो बेलिकोज से ही बना है। समझ में आई कि नहीं आई? तो चार वर्ड आपके सामने तैयार हुए, बेलीग्रेंट, हॉस्टाइल, पगनेशियस और बेलिकोस। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आया ब्लिस्टर। क्या आया? ब्लिस्टर। देखो ब्लिस्टर क्या होता है? घाव होता है, फफोला होता है ना, फोड़ा हो जाता है, फुंसी हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं? ब्लिस्टर। क्या बोलते हैं? ब्लिस्टर। तो एक तो सिनोनिम इसके सामने तैयार होगा वुंड। क्या तैयार होगा? वुंड। देखो इसकी स्पेलिंग ध्यान से बना, वाउंड नहीं बोलना है इसको, क्या बोलना है? वुंड। क्या बोलेंगे? वुंड, WOUND, वुंड। क्या बोलेंगे? वुंड। उसके बाद एक और बढ़िया, बल्ज। क्या दे रखा है? बल्ज। क्या दे रखा है? बल्ज, BULGE, बल्ज। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट वर्ड दे रखा है कैजोल। इसके जैसे वर्ड्स हमने पहले भी आपके सामने रखे थे, आपको याद होगा। कैजोल का मतलब क्या हुआ है? जो आपको अपनी तरफ आकर्षित कर ले, है ना। मैं तो ऐसे याद रखता हूं कि अजय देवगन ने, काजोल ने क्या किया था अजय देवगन को? क्या किया था? अपनी तरफ आकर्षित कर लेता काजल लगाकर, ठीक है ना। तो कैजोल का मतलब होता है एंटाइस करना, ठीक है। तो और वर्ड कौन से बन सकते हैं? फ्लैटर। कौन सा बन सकता है? फ्लैटर। अब देखो फ्लैटर का बेसिक मतलब चापलूसी है, पर आप किसी की चापलूसी करोगे तो वो आपसे अट्रैक्ट होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो कैजोल के कौन कौन से बने? फ्लैटर, एंटाइस और सेड्यूस, SEDUCE, सेड्यूस। याद रहेगी बात? एक बार दोबारा बोल देता हूं मैं, कैजोल, फ्लैटर, एंटाइस और सेड्यूस। क्लियर होगी बच्चा?
उसके बाद नेक्स्ट वर्ड देखो, ये नया वर्ड है बिल्कुल, ये एग्जामिनेशन में पूछा बहुत गया है। पिछले अगर 10-12 साल का इतिहास देखोगे आप वोकेबलरी में, तो एक कराउज वर्ड बहुत पूछा गया है। कराउज का मतलब होता है दावत देना, बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज करना, उसे बोलते हैं कराउज। क्या बोलते हैं? कराउज। अब देखो पार्टी है तो वहां पे क्या चलेगा? एंजॉयमेंट चलेगा। तो उसका डायरेक्ट सिनोनिम तो अगर बनाना चाहो तो बन सकता फीस्ट। क्या बनेगा? फीस्ट। फीस्ट का मतलब भी बड़ी दावत देना होता है, ठीक है? दावत का मतलब कि जहां पे खाना भी सर्व होगा। तो एक तो सिनोनिम हो गया कराउज, कौन सा हुआ? फीस्ट। अच्छा, उसके अलावा क्लोज सिनोनिम कौन से तैयार हो सकते हैं? सेलिब्रेट और इंजॉय। सेलिब्रेट और इंजॉय, तो चार वर्ड कौन कौन से हुए? कराउज, फीस्ट, सेलिब्रेट और इंजॉय। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट वर्ड देखो आप, नेक्स्ट वर्ड ये आपने पहले भी पढ़ा है, सेंसर। सेंसर का मतलब निंदा करना होता है, सेंसर बोर्ड होता है हमारा, ठीक है? तो सेंसर का मतलब क्रिटिसाइज, ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं। आज मैं नए वर्ड दो ऐड कर रहा हूं आपके सामने, ये कर रहा हूं कास्टिगेट। कौन सा कर लिया? कास्टिगेट। कौन सा किया? कास्टिगेट, CASTIGATE, कास्टिगेट। और एक और वर्ड कौन सा? चेस्टाइज। कौन सा किया? चेस्टाइज, CHASTISE, चेस्टाइज। तो चारों वर्ड बहुत बढ़िया हैं, पूछे जाने वाले वर्ड्स हैं। कौन कौन से? सेंसर, क्रिटिसाइज, कास्टिगेट और चेस्टाइज। समझ में आ रही है बातें? उसके बाद नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड दे रखा है कैओस। क्या दे रखा है? कैओस। क्या दे रखा है? कैओस। कैओस का मतलब होता है डिसऑर्डर क्रिएट कर देना, मतलब अव्यवस्था जहां क्रिएट हो जाती है उसको क्या बोलते हैं? कैओस। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका एक क्लोज सिनोनिम मैंने यहां भी नीचे बना रखा है, उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी। कैओस का मतलब है बिल्कुल डिसऑर्डर क्रिएट कर देना। जैसे मान लो कहीं पर रैली चल रही है और लोगों में भगदड़ मच गई, तो वो क्या मच गया? वहां पर कैओस मच गया। समझ में आई बात? तो कैओस, जैसे मान लो आपने देखा होगा देर इज अ कैओस इन द रामलीला ग्राउंड इन दिल्ली। तो आपने देखा होगा कि दिल्ली के अंदर जैसे बड़े बड़े क्या लगते हैं, जब धरने होते हैं तो जब पुलिस आती है आपस में झगड़ा हो जाता है, आंसू गैस के गोले होते हैं, तो वहां क्या क्रिएट हो जाता है? कैओस क्रिएट हो जाता है, ठीक है? तो सारे ही वर्ड अच्छे हैं। कौन सा? पहला डिसऑर्डर, ठीक है? ये तो डायरेक्ट बात हो गई इसकी। कैओस का कौन सा बना? डिसऑर्डर। दूसरा कौन सा? डिसएरे। डिसएरे, एरे क्या होता है? श्रृंखला। और डिसएरे, श्रृंखला से हट जाना, मतलब डिसऑर्डर क्रिएट हो जाना, उसको क्या बोलेंगे? डिसएरे। जैसे आपको मैथमेटिक्स के टीचर हैं, रीजनिंग के टीचर हैं, क्या पढ़ाते हैं? एरे। एरे पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते? एरे ऑफ क्वेश्चंस पढ़ाते हैं ना, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर, डिसएरे। और एक बना अच्छा वर्ड बेडलम। कौन सा बना? बेडलम। कौन सा बना? बेडलम। तो चारों वर्ड अच्छे हैं, ध्यान से देखिएगा। कैओस, डिसऑर्डर, डिसएरे और बेडलम। क्या बना? बेडलम। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट वर्ड दे रखा है क्लैंडेस्टाइन, जिसके लिए हमने कल वर्ड पढ़ा था अगर आपको याद हो तो, आर्केन। याद है आपको? तो क्लैंडेस्टाइन का मतलब गुप्त होता है। तो देखो आज मैंने थोड़े नए वर्ड्स बनाए हैं बिल्कुल ही, ताकि आप कुछ वर्ड्स ऐड करते चले जाओ उन्हीं पुराने शब्दों में। एक तो बना फ्यूटिव। क्या बना? फ्यूटिवली। फ्यूटिव से वर्ड बनता है फ्यूटिवली, एडवर्ब बन जाता है। फ्यूटिव का मतलब क्या होता है? नजर बचाकर, उसे क्या बोलते हैं? फ्यूटिव। और इसी का सेम वर्ड कौन सा हुआ? सरप्टीशियस। कौन सा हुआ? सरप्टीशियस, बोल के दिखाना। सरप्टीशियस, SURPTITIOUS, सरप्टीशियस, ठीक है? इसका मतलब भी नजर बचाकर कोई काम करना होता है। और लास्ट दे रखा है क्लॉक। ये वो क्लॉक नहीं है दीवार वाली, CLOCK, उसकी स्पेलिंग सीके होती है, CLOAK, क्लॉक। आप जैसे देखा होगा आपने, रेलवे स्टेशन पे हम जाते हैं तो वहां पर एक क्लॉक रूम होता है। क्लॉक रूम क्या करता है? जितना भी मतलब जो हमारा मतलब कीमती सामान होता है, हम उसको क्लॉक रूम में रख देते हैं। मतलब वो क्या रहता है? सीक्रेट रहता है, सिक्योर रहता है बिल्कुल, है ना? तो उसे क्या बोलते हैं? क्लॉक। क्लॉक का मतलब भी छिपना होता है। तो चारों पांचों वर्ड बहुत बढ़िया है। कौन कौन से? क्लैंडेस्टाइन, फ्यूटिव, सरप्टीशियस और क्लॉक, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आया, बहुत पॉपुलर वर्ड है ये, कोलोजल। क्या देखा हुआ है? कोलोजल। क्या लिखा हुआ है? कोलोजल। क्या लिखा हुआ है? कोलोजल। कोलोजल का मतलब होता है बहुत ही ह्यूज, बहुत बड़ा। तो बड़े की बात चली तो क्या चलेंगे इसमें? एक एनॉर्मस। क्या बोलेंगे? एनॉर्मस। क्या बोलेंगे? एनॉर्मस। और कौन सा वर्ड बोल सकते हैं? देखो इसको ना हमारा मन करता है जिजेंटिक बोलने का, जिजेंटिक नहीं है, गिगेंटिक है। क्या है? गिगेंटिक। क्या बोलोगे? गिगेंटिक। क्या बोलोगे? गिगेंटिक। क्या बोलोगे? गिगेंटिक। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? उसके बाद एक वर्ड कौन सा आया? मैसिव। कौन सा आया? मैसिव। मैसिव का मतलब भी बहुत ज्यादा बड़ा। जैसे सौरव गांगुली कैसे छक्के मारते थे? मैसिव छक्के मारते थे ना, बड़े बड़े सिक्सेस मारते थे, है ना? तो मैसिव का मतलब भी बड़ा। तो कोलोजल, एनॉर्मस, गिगेंटिक और मैसिव, ठीक है? कुछ लोग इसे जिजेंटिक भी बोलते हैं। वैसे सही प्रोनाउंसिएशन अगर आप देखो, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि अपने जैसे इंडिया में जो उसकी प्रोनाउंसिएशन चलती है वो गिगेंटिक चलती है, ठीक है? पर इसकी अगर एक्चुअली में प्रोनाउंसिएशन देखें तो वो जिजेंटिक ही है, बिल्कुल सही जो इसकी प्रोनाउंसिएशन है वो जिजेंटिक है। पर अपने अक्सर बोल देते हैं गिगेंटिक, तो मैं भी बोल देता हूँ गिगेंटिक, इसमें कोई खास बात नहीं है। पर इसकी सही प्रोनाउंसिएशन क्या है? जिजेंटिक। समझ में आ गई बात? तो चारों वर्ड को एक बार फिर से देख लेते हैं, कोलोजल, एनॉर्मस, जिजेंटिक और
मैसिव, क्लियर है? इसकी प्रोनाउंसिएशन से इतना फर्क नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है? नेक्स्ट वर्ड दे रखा है कमोशन, क्या दे रखा है? कमोशन, कमोशन का मतलब होता है शोर। अब देखो शोर है तो वहां ऑटोमेटिकली क्या है, कैओस है, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्योंकि शोर वहीं होता है जहां पर क्या होता है, डिसऑर्डर क्रिएट होता है, पर ये थोड़ा अलग तरीके डिस्टरबेंस के क्रिएशन में आता है कि यहां पर आप किसी को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कमोशन का मतलब हो गया नॉइज, या फिर आप कह लो कि डिस्टरबेंस कह सकते हो, या फिर अप्रोर कह सकते हो, क्या कह सकते हो? अप्रोर, बहुत बड़ी धाड़ कि जिससे मतलब सबको मतलब क्या है डिस्टर्ब कर दिया है, अप्रोर। और एक बहुत नया वर्ड है, अभी तक का कभी भी एग्जामिनेशन में मैंने इंट्रोड्यूस करवाया, अभी करवाया है, ब्रूहाहा, क्या दे रखा है? ब्रूहाहा, BROUHAHA, ब्रूहाहा, देखो बोलने में कितना अच्छा वर्ड है, ब्रूहाहा। तो ये आपके टोटल क्या रहे, 10 वर्ड्स रहे। फटाफट इनको एक बार रिविजन कर लेते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। बैरन मतलब बंजर, अनप्रोडक्टिव, इनफर्टाइल और एरिड। बेलीग्रेंट मतलब झगड़ा करने के लिए तैयार रहने वाले लोग, होस्टाइल, पगनेशियस और बेलिकोज। ब्लिस्टर का मतलब फफोला, फोड़ा, तो वुंड और बल्ज। उसके बाद कैजोल, कैजोल का मतलब क्या होता है, किसी को बहलाना फुसलाना, फ्लैटर, एंटाइस और सेड्यूस। उसके बाद कैराउज, कैराउज का मतलब दावत देना, यानी फीस्ट, सेलिब्रेट और इंजॉय। उसके बाद सेंसर मतलब निंदा करना, क्रिटिसाइज, कास्टिगेट और चेस्टाइज। उसके बाद कैओस मतलब डिसऑर्डर, डिसऑर्डर, डिसएरे और बेडलम। उसके बाद क्लैंडेस्टाइन, गुप्त यानी फ्यूटिव, सरप्टिशियस और क्लॉक। उसके बाद कोलोजल बहुत बड़ा, विशाल यानी एनॉर्मस, गिगेंटिक, या मैंने अभी बोला आपको कि सही प्रोनाउंसिएशन क्या है, जिजेंटिक या गिगेंटिक, आप ये देख लीजिएगा। उसके बाद मैसिव, क्या देखा? मैसिव। उसके बाद कमोशन, शोर मचाना, डिस्टरबेंस, अप्रोर और ब्रूहाहा। समझ में आ गई सारी बातें? तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना बहुत रहेगा, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको कंटिन्यूटी में रखूं, तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि मैं थोड़ा सा आप लोगों से सीख पाऊँ और अच्छे तरीके से चीज़ों को रिप्रेजेंट करूँ। मैं बहुत जल्दी 1 या 2 दिनों बाद, ठीक है ना, मैं idioms के सेशन को भी स्टार्ट करने वाला हूँ, और जो सिनोनिम्स है ना इनके ऊपर भी अपने क्या करेंगे, एक जैसे 10 वीडियोस जब बन जाएंगे अपने, ऑलमोस्ट अपने 150 to 300 वर्ड जब हो जाएंगे, 300 के आसपास वर्ड हो जाएंगे, तो अपने क्या करेंगे, एक एग्जाम के पैटर्न पे, एग्जाम में कैसे आता है, कैसे ऑप्शंस आते हैं, उसके ऊपर भी काम करेंगे। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो बस आप बने रहिए साथ साथ में, जानने के लिए देखते रहिए कल तक। समझ में आई है बात? घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। समझ में आ रही है? तो आज के लिए इतना बहुत है, थैंक यू सो मच, एंजॉय।